हेलो, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम दिखाते हैं शांति स्तूप जो कि अपना वैशाली में स्थित है। तो चलिए आइए यहाँ पर प्रवेश करते हैं और इधर घुमाते हैं आप सभी को। तो यहाँ पर आ गए हम लोग, जो है देख सकते हैं लोग भी घूम रहे हैं। यहाँ पर कोई भी टिकट नहीं है और अपना वैशाली में स्थित है। आप सभी अगर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए। धरंजय सर को क्या कहना चाहेंगे? धरंजय सर आप अब देखिए, अभी तुरंत गोल गप्पा खाया और भूख लग गया। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर अशोक का पेड़ नजर आ रहा है। हाँ, ऐसा लगता है धरंजय सर थोड़ा कमजोर। देखिए दोस्तों, आ गए हम राजगीर के मेले में। यहाँ पर देख सकते हैं लोग फोटो खिंचा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गए हैं, एकदम गांव में आ चुके हैं। हवा इतना शानदार चल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर कुछ देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है व्यू नजर आ रहा होगा। और ये जो है वैशाली, हम लोग आज आए हुए थे घूमने के लिए, लेकिन कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ये राजगीर का मजा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन राजगीर है यहाँ पर। और हमारे धरंजय सर स्टेज पे चढ़ चुके हैं और स्टेज पे चढ़ने के बाद धरंजय सर फोटो खिंचवा रहे हैं। और इधर देख सकते हैं कैमरामैन अच्छे तरीके से। और देखिए यहाँ पर कुछ कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा, आप लोग को दिखाते हैं, घुमाते हैं। तो देखिए यहाँ पर चल रहे हैं साइड से। यहाँ भाई इतना मजा आ रहा है कि क्या बताएं। यहाँ शानदार हवा चल रहा है और इधर देख सकते हैं कितना छांव है। आप लोग को नीचे नजर आएगा, जमीन पे देखेंगे तो। और धरंजय सर एक गाना सुनाएंगे यहाँ पर, तो धरंजय सर सुनाइएगा गाना जरा, कोई एक गाना हो जाए धरंजय सर। और ये छांव छांव में देखिए धरंजय सर गाना सुनाएंगे और आप लोग भी सुनिए कैसा लगता है। धरंजय सर गाना गाइएगा आज, एक बोतल पानी आप पर फ्री। चलिए सुनाइए। मारे हवा के झोंका, मारे हवा के झोंका, लहरे लखुलल खिसिया, खुद फूल बन गईल बा, खुशबू से भरल दहिया, तीर के बनावट बिजली गिरा रहल बा, लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। वाह वाह वाह, लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। तो चलिए हम लोग साइड से घूम रहे हैं अभी और ऊपर ले चलते हैं आप लोग को, देखते हैं ऊपर में क्या कुछ मिलता है, क्या सोने चांदी मिलता है क्या भाई। चलो ऊपर चल के दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा सा शेर बैठा हुआ है भाई। ये तो हम पीछे से ले रहे हैं, लेकिन आगे से फोटो लेंगे तो देखेंगे कैसा है। और देखिए भाई, हमको मिल गया यहाँ पर शेर, बड़ा ऊंचा शेर मिल गया। उसके बाद चलते हैं ऊपर। चलिए दोस्तों, धरंजय सर का फरमाइश था जो नीचे से घूमते हैं, तो साइड से हम लोग जो है घूम लेते हैं, परिभ्रमण कर लेते हैं। उसके बाद अपने अंदाज में हम लोग ऊपर चलेंगे। ऊपर चलेंगे तो देखेंगे क्या कुछ मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। और कुछ इस प्रकार से साइड का व्यू आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं धूप भी है, तो धूप पर थोड़ा रोशनी करते हैं। देखिए ये जो है धूप है, हमको दिख नहीं रहा है कैमरा में भाई। देखिए यहाँ पर जो है दो आदमी नए अपने अंदाज में यहाँ पर बैठे हुए हैं, घर का मजा ले रहे हैं। और कुछ इस प्रकार से व्यू आप लोग देख पा रहे होंगे। और हमारे पीछे में भी दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार से दृश्य दिखेगा। और धरंजय सर हमारे साथ साथ अभी चल रहे हैं। दो दोस्त आए हुए थे जो कि नीचे हैं और हम लोग ऊपर आ गए हैं। और ऊपर भी ले चलते हैं आपको, घुमाते हैं, देखते हैं क्या कुछ मिल पाता है क्या। जी हाँ दोस्तों, तो ऊपर हम चढ़ गए हैं और ऊपर है क्या जाने वाला। तो चलिए ऊपर भी ले लेते हैं, घूम लेते हैं यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हवा चल रहा है इतना शानदार कि धूप को पता ही नहीं चल रहा है कि धूप है। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ क्या है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाद बाकी हम समझा देंगे। इधर इधर देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं गौतम बुद्ध जी का जो है ये देख सकते हैं निर्वाण यहाँ पर हुआ था। ये प्रतिमा कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पाएंगे, बहुत ही अच्छा दृश्य है। अपने अंदाज में हम दूसरे फ्लोर पर से देख रहे हैं और देख सकते हैं बुद्ध भगवान का जो है यहाँ पर देख सकते हैं कुछ। आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, तो जन्म लिखा हुआ है जो कि प्रतीक यहाँ पर देख सकते हैं, कमल का जो है प्रतीक है इस तरह से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर हवा भी देख सकते हैं, पेड़ पर देखने के बाद पता चलता है कि कितना तेज हवा है। पीपल का पत्ता जो है लहरा रहा है और हमारे धरंजय सर आगे आगे भाग रहे हैं, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। और कुछ इस प्रकार से दृश्य देख सकते हैं जो कि भगवान बुद्ध जी का जो है ज्ञान प्राप्ति इस प्रकार से किए थे। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ दृश्य
लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा हो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कुछ इस प्रकार से व्यू आप लोग देख पाएंगे, नीचे की ओर से देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर धर्म प्रचार किया गया था, ऐसा प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है वैशाली के। और यहाँ पर देख सकते हैं बुद्ध भगवान का जो है मूर्ति है, आप लोग कुछ ही इस प्रकार से दृश्य देख पा रहे होंगे। तो चलिए एक भैया यहाँ पे मिले हैं, आप लोग जो है भैया कुछ जानना चाहेंगे, यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो बताइए। सरकार का कुछ भी ध्यान नहीं है, भैया का कहना है यहाँ पर जो है थोड़ा पानी का जो है यहाँ पर नहीं है सुविधा, इस वजह से जो है राज है उदास है। और यहाँ पर हो सके तो देखिए फील्ड बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी, आप लोग भी ग्राउंड देख सकते हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए ग्राउंड कैसा है। और यहाँ पर ऊपर से कुछ देखने पर इस प्रकार से आप लोग देख पाएंगे, बगल में जो है पेड़ पौधे आपको भी नज़र आ रहे होंगे, हमें भी देखने को मिल रहा है और आप लोग भी देख रहे होंगे। तो कुछ बच्चे भी यहाँ पर जो है, धूप में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हवा चल रहा है शानदार, और यहाँ पर लोग भी घूमने आते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं भीड़ भाव थोड़ा बहुत कम देखने को मिल रहा है, और हम लोग भी जो है आराम से घूम रहे हैं यहाँ पर। बिना टिकट के एंट्री है, फ्री एंट्री है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है, आराम से आप लोग जो है आकर के घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से चलते हैं नीचे की ओर, और यहाँ पर लेट हो रहा है, टाइम हमारे पास थोड़ा बहुत कम है, टाइम का इशू है इस वजह से जो है। और यहाँ पर देख सकते हैं कैमरामैन भी अपना फ़ोटो खींचने के लिए रेडी है। तो चलिए धनंजय सर हमारे कह रहे हैं फोटो खींच दीजिए, तो धनंजय सर का फोटो हम क्लिक कर देते हैं वीडियो में। एक आए धनंजय सर ऊपर नीचे कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है धनंजय सर का एक दो फोटो क्लिक कर देते हैं, क्योंकि धनंजय सर हमारे आने वाले कलाकार भी हैं और ऊपर से टीचर भी हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ गड्ढा इस प्रकार से नज़र आ रहा होगा, आप लोग को दिखा देते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बाघ मिल गया भाई, ये रहा आपका बाघ। और कुछ इस प्रकार से व्यू आप लोग देख पा रहे होंगे, नीचे से ऊपर का व्यू कुछ इस प्रकार से आपको दिख जाएगा यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, शानदार लग रहा है। और हमारे धनंजय सर आगे आगे चल रहे हैं, और हम भी इधर चलते हैं नीचे से, और देखते हैं और क्या कुछ हम लोग जो है देख पाते हैं, और आप लोग भी देखिए। यहाँ पर दिखा दिया आपको विश्व शांति स्तूप, और आप लोग भी देख करके यहाँ भी घूमने आ सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं बकरी का भी जो है, आप लोग देखे नहीं होंगे तो बकरी का। और यहाँ पर देख सकते हैं डीजे लगा हुआ है, इस पर आदमी ही नहीं है भाई, यहाँ पर फोटो खिंचाने के लिए डीजे लगा हुआ है, और इधर बकरी चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर घास। आपने तो कभी देखा नहीं होगा भाई बकरी, यहाँ पे बकरी देख सकते हैं, बकरी इधर देख सकते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं सफेद बकरी यहाँ पे ग्रीन के बगल में देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं भाई, गिर गया भाई। तो चलिए दोस्तों आप लोग को दिखा दिए, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा जरूर। तो चलिए हम लोग जो है निकलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अशोक का पत्ता जो है बिखरा हुआ है, सूखा हुआ है, और यहाँ पर ये जो है गेट है। और यहाँ पर देख सकते हैं सामने में जो है सेल्फी लेने वाले, आप लोग वीडियो भी बना सकते हैं। यहाँ पर लोग भी देख सकते हैं जा रहे हैं देखने के लिए जो कैसा है घूमने के लिए, और यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। और आप लोग को सामने दिखाते हैं दुकान, ये रहा दुकान। धनंजय सर चापा कल चलाने लगे तो, और देखिए धनंजय सर किस तरह से पानी पीते हैं, चलिए टेस्ट कीजिए जल्दी से। टोपी धनंजय सर यहाँ पर रहा आपका टोपी, यहाँ पर देख सकते हैं जेंट्स टोपी भी बिक रहा है, और देख सकते हैं यहाँ पर दिल वालों का दिल बिक रहा है, ये देख सकते हैं दिल, आपको पास से जूम से दिखा दे रहे हैं, दिल वालों का दिल बिक रहा है भाई। और यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं चश्मा ही चश्मा नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पर दिल वालों का दिल भी नजर आ रहा होगा, जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पर आई लव यू लिखा हुआ है भाई। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं चश्मा कोई पसंद आता है कि नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं ऋतिक सर एक चश्मा लेना चाह रहे हैं, हाँ ये ठीक लग रहा है थोड़ा, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर सांप बिक रहा है, सांप दिखा देते हैं आप सभी को, यहाँ पर देख सकते हैं रियल सांप भी नज़र आएगा आपको। और देखिए यहाँ पर धनंजय सर शर्मा रहे हैं, चश्मा पहनने में भी शर्माते हैं, कितना शर्माते हैं ये लोग। और देख सकते हो यहाँ पे मिल गया भाई बंदर, ठीक आ रहा है। और देखिए यहाँ पर धनंजय सर चश्मा लेने के लिए जो है देख रहे हैं कैसा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर धनंजय सर हमारे आज नहीं लिए हैं, बहुत उदास हुआ, क्या बताएं, यहाँ पर कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। चलिए होता है कुछ होता है आज के।
थाली में आ गए थे हम, यहाँ पे एक चश्मा लिए हैं। आप लोग कैसा लगेगा ये कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो ठीक है कमेंट कीजिएगा। ऐसा लगा देते हैं आपको, देखिए कैसा लग रहा है, बंदर शकल सूरत हो गया हमारा। ये दोस्तों वैशाली का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जगह हम लोग आए और घूम करके सारा देख लिए, उसके बाद यहाँ से आप निकलते हैं। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।